आगामी दिनों में कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जीत दर्ज करने को लेकर दोनों ही पार्टियों में रस्साकसी का खेल शुरू हो चुका है। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत इन चुनावों में झोंक दी है, लेकिन इन दिनों कश्मीर की वादियों में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर ओसिया की पूर्व विधायक और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दिव्या मदरेना कश्मीर की वादियों में जलवा बिखेर रही हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी ने मिशन कश्मीर के लिए दिव्या को चुना है। दिव्या अपने तेज तर्रार अंदाज में कश्मीर की वादियों में कांग्रेस पार्टी के लिए ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रही हैं। इन दिनों दिव्या मिशन कश्मीर पर है, कश्मीर की वादियों का लुत्फ भी लेती हुई नजर आ रही है। कभी वो झील में मस्ती करते हुए नजर आती है तो कभी वो अपने उर्दू के अल्फाजों से लोगों का मन मोह लेती है। कि जम्मू कश्मीर रियासत की जो आइन के आवाम के जो मसले हैं, जो बारीक मौजू है और हुस्न जमहूरियत को बहाल करने के लिए जो मौजू है उनको लेकर आपके बीच में हमारी पार्टी के कायद रसूल के साथ अपने इजहार ख्याल हम कलाम आपसे करेंगे। राजस्थान की तेज तर्रार युवा कांग्रेसी नेत्री दिव्या मदरेना मिशन कश्मीर के साथ साथ वहां की आवाम के लिए एक आइकन बनती जा रही है और दिव्या का कश्मीरी अंदाज वहां की आवाम को खूब भा भी रहा है। आपको बताते चलें कि दिव्या को हाल ही में कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है और इसी के साथ दिव्या को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी। राजस्थान की राजनीति में अपनी दबंग अंदाज वाली और ओजस्वी भाषण देने वाली दिव्या मदरेना फिलहाल कश्मीर के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी हैं। दिव्या ने कश्मीर की आवाम को जब उर्दू में संबोधित किया तो खुद कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत भी दिव्या की तारीफ करने में पीछे नहीं हटी। भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुप्रिया श्रीनेत संबोधित कर रही थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में दिव्या ने क्या कुछ कहा जरा आप पहले वो सुनिए, जिसे सुनकर सुप्रिया श्रीनेत भी काफी प्रभावित हुई। वार्ता में जो शख्सियत हमारे बीच में है उन्हें किसी तारीफ की जरूरत मोहताज नहीं है। हमारी पार्टी की वरिष्ठ अहदेदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशल मीडिया की सदर श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत जी से मैं दरखास्त करती हूँ कि जम्मू कश्मीर रियासत की जो आइन के आवाम के जो मसले हैं, जो बारीक मौजू है और हुस्न जमहूरियत को बहाल करने के लिए जो मौजू है उनको लेकर आपके बीच में हमारी पार्टी के कायद रसूल के साथ अपने इजहार ख्याल हम कलाम आपसे करेंगे। सबसे पहले तो मुझे आपको मुबारकबाद देनी चाहिए, आपकी उर्दू सुनकर तो मुझे लखनऊ याद आ गया। हम कश्मीरी की ओर भी जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिव्या मदरेना ओसिया की पूर्व विधायक रह चुकी हैं और विधायक रहते हुए दिव्या ने आमजन के मुद्दों को उठाया। वहीं दिव्या ने आमजन की हक की लड़ाई को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी काफी भिड़ंत भी हो चुकी है। भले ही दिव्या मदरेना चुनाव हार गई हो, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने दिव्या पर भरोसा करते हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने का जिम्मा दिव्या मदरेना को सौंपा है। वहीं राजस्थान प्रदेश में पहली ऐसी कांग्रेस नेत्री दिव्या मदरेना है जिसे राहुल गांधी ने मिशन कश्मीर के लिए चुना है। वहीं दिव्या जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के प्रचार और पार्टी को जीत दिलाने में कितना सफल हो पाती हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के परिणाम ही बता सकते हैं। लेकिन दिव्या मदरेना का ये कश्मीरी अंदाज इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दिव्या को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी देने के पीछे कांग्रेस पार्टी की अपनी एक अलग ही सियासत है। वैसे दिव्या राजस्थान की राजनीति में अपना तेज तर्रार अंदाज पहले ही दिखा चुकी हैं। वहीं दिव्या मदरेना मिशन कश्मीर के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए कितना मील का पत्थर साबित हो पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज 21 जयपुर से सुरेंद्र सोनी की स्पेशल रिपोर्ट।